एक रणजी के साधारण से मैच में 40 रन बनाकर खेल रहे खिलाड़ी को जब पता लगा कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो उस साधारण से खिलाड़ी के विराट खिलाड़ी बनने का सफर वहां से शुरू हो गया था जब वो अगले दिन अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरा और जरूरी रन बनाकर उसके बाद वो अपने पिता के फ्यूनरल पे गया। गाइस, परीक्षा सबकी होती है, लेकिन महान वही बनता है जो अपने पैशन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसी का नाम है विराट कोहली। 2004 के ओलंपिक में जब वो रेसिंग ट्रैक पे उतरा तो उसके देश को एक मेडल की उम्मीद कम से कम उससे जरूर थी, लेकिन जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सेकंड लास्ट ही आ पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों पे काम किया और 2011 और 2015 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत के सारी कसर निकाली। जी, मैं बात कर रहा हूँ उसेन बोल्ट की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, पिछले 3 ओलंपिक में उसेन बोल्ट सिर्फ 115 सेकंड ही मारे और 115 सेकंड के लिए उन्हें $119 मिलियन मिले, यानी कि हर एक सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन। वो कहते हैं ना गाइस, डू वर्क हार्ड, क्योंकि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क आपको जरूर पे करेगा। अपने स्ट्रगल के दिनों में वो पेन से अपने ही जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। 2018 में उसी लड़की को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और आज एडिडास के शूज पर उसी लड़की के नाम के टैग लगे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वंडर गर्ल हिमा दास की, जो जुलाई 2019 में अलग अलग यूरोपियन चैंपियनशिप में एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियों में बनी हुई। उसकी कामयाबी को देखकर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। डॉक्टर्स ने उसे 15 साल की उम्र में उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स को देखते हुए कहा कि या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर वो डिफिकल्ट हार्ट सर्जरी करवाए जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो सके। फुटबॉल खेलने का जुनून इतना सवार था कि उसने वो हार्ट सर्जरी करवाई। अपने इसी फुटबॉल के जुनून के चलते ये मालिका बेटा आज विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी बना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सिर्फ फुटबॉल खेलकर 700 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। क्या आपने ऐसा जुनून, और अगर है तो जीत आपकी पक्की है। माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो तो जीत आपकी पक्की है। सपने तो शायद हम भी बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन मुसीबतों और बहानों के आगे हमारे सपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन एक वो लड़की थी जिसके सपनों के आगे मुसीबतों और बहानों ने घुटने टेक दिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई, बचपन उसका खेतों में काम करके निकला। 15 साल की उम्र में उसने सोचा कि वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाएगी। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधाएं थी, लेकिन उसकी जिद के आगे सारी मुसीबतों ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 6 टाइम्स वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, 5 टाइम्स एशियन वुमेन चैंपियनशिप विनर, एशियन गेम्स 2014 गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स 2012 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, 2013 पद्म भूषण विनर, 2003 अर्जुन अवार्ड विनर एंड 2006 पद्मश्री मैरी कॉम। सो गाइज, बिलीव इन यू, जिद है जीत पक्की।